दोस्तों आज ये आपको जानकारी देंगे, आपके घर पर पेड़ है और इस तरह से लंबाई की ओर भाग रहा है और पेड़ घना बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे कि अपने घर पर पेड़ को हम घना किस तरह बनाएं और घना होने से हमारा पेड़ सुंदर लगता है और इस तरह जो स्टिक जैसा भागता है तो इसमें केवल पेड़ हमारा कमज़ोर होता चला हुआ जाता है, क्योंकि जितना लंबा जाएगा उतना एक साइड से डाउन हो जाएगा, इधर से डाउन हो जाएगा, हमारा गांच टेढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस पेड़ को हम घना किस तरह बनाएं ये आपको आज जानकारी देंगे कि हमारा घर में पेड़ किस तरह घना हो, क्योंकि आज हम घने घने पेड़ के बारे में बताना चाहते हैं ताकि आप भी अपने घर पर घने पेड़ रखेंगे तो सुंदर लगेगा और इसमें हम घना रहेगा तो उसमें फल वाला पौधा है तो फल आएगा, फूल वाला पौधा है तो अधिक मात्रा से हमारा घर में फूल आएगा। तो ये हम दिखाएं स्टिक वाला। अब आपको बताते हैं घने पेड़ के बारे में, वो हम घना पेड़ कैसे किए। तो ये है हमारा मीठा नीम, बिल्कुल इसी तरह पीपल का पेड़ के ही तरह ये हमारा सीधा भाग रहा था, पर इसमें हम क्या ऐसा किए हैं जो हमारा आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर पोपला यानी कि पत्तियां निकली है और चमकदार निकली है। इसमें हम क्या ऐसा डालते हैं जो हमारा पत्ता चमकदार है और ये हमारा घना है। इसमें हम दो पेड़ लगाए हैं, दोनों मीठा ही नीम है। तो ये हम यहाँ से आप दिखाते हैं आपको, तो ये पेड़ आप जो देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ तक ही ये इस तरह है और इसमें कोई भी कंची नहीं है। तो इसको हम जब बड़ा हो जाएगा, कुछ बड़ा होगा तब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह का जो इसमें हम कटिंग किए हैं आप देख सकते हैं बीच में हम कटिंग किए हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस सामने जो दिख रहा है आपको यहाँ पर बीच में हम कटिंग किए थे, क्योंकि हमारा जो पेड़ है ये डंडे के मदद से हमारा पेड़ सीधा जा रहा था पर देखिए हमारा पेड़ टेढ़ा जा रहा है, तो इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है और इसमें हमारा कोई भी डाल नहीं फेंक रहा है। तो यहाँ से हम कटिंग किए, तो यहाँ पर कटिंग किए तो हमारा कितना डाल आया, एक यहाँ पर है आप एक देख सकते हैं, एक डाल ये है, दूसरा डाल ये है, तीसरा डाल ये है और चौथा डाल में आपको दिखाते हैं ये छोटा डाल है और इधर आपको दिखा देते हैं एक डाल इधर है, यानी कि पांच छह डाल हमारा एक पेड़ में आया है, एक दो तीन चार और नीचे पांच और इधर छह। तो इस तरह से हम कटिंग किए तो हमारा फायदा क्या हुआ, हमारा जो गमला है वो भर गया और दिखने में भी सुंदर लगा। और इस मीठा नीम का हम फायदा क्या करते हैं, तो हमारा अधिक मात्रा से पत्तियां होगा तो हम पत्तियां का सब्जी में या आप किसी चीज़ में डालकर इसे खा सकते हैं। तो इसलिए यदि आपका ये मीठा नीम का पौधा है और केवल बीच में ही इस तरह का पत्ता हो रहा है तो आप कितना पत्ता तोड़ सकते हैं, तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, जब इतना मोटा आकार में आ जाता है तो बीच से आपको कटिंग कर लेना होगा। कटिंग करने के बाद आप देखेंगे 15 दिन के अंदर में छोटा छोटा इसमें प्लांट साइड साइड में कंछी मारने लगेगा। दोस्तों ये जो हम कटिंग करने के बाद ये इस तरह का जो है डाले हैं, ये घर में नेचुरली लकड़ी का राख बनाकर इसे ठंडे करके दूसरा दिन इसमें हम डाले थे, तो इसमें हमारा क्या हुआ कि कंछी तो मारा ही है पर पत्ता जो आया एकदम चमकदार आया और इसमें कहीं भी आपका महू पिल्लू या मक्खी या छोटा छोटा इसमें मक्खी हो जाता है, ये बिल्कुल हमारा इसमें कोई भी रोग नहीं लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। हमारा जो लकड़ी का राख है ये पोटास का काम करता है, यदि आप लकड़ी का राख नहीं बनाना चाहते हैं, आप शहर क्षेत्र में रहते हैं तो आप इसके वजह से आप पोटास डाल सकते हैं, मार्केट से लाकर पोटास आपको आधा चम्मच इसमें डालना है, डालकर इसमें पानी डालना है, बिल्कुल ये लकड़ी का राख पोटास का काम करता है, यदि लकड़ी का राख नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पोटास डाल सकते हैं। अब दूसरा पेड़ आपको दिखाते हैं दोस्तों, दूसरा में आ गया हमारा अरेबियन जैस्मिन का पौधा, ये हम लाए थे नर्सरी से और इसका केवल एक ही स्टिक था जो बहुत लंबा, करीब इतना लंबा 5 फुट का लंबाई था इसमें, पर हम लेकर आए थे वो क्या कर रहा था नर्सरी वाला, इसे फेंक रहा था, तो इसे हम इसी तरह उठा के नर्सरी से लेकर आए थे और इसका क्या किए, हम केवल एक स्टिक था और मरा हुआ पौधा था कि इसको जीवित करना
नर्सरी वाले लोग का कहना है कि जितना हम इसमें देखभाल करेंगे उसके वजह से हम दूसरा पौधा का देखभाल करेंगे तो हमारा बिक्री होगा, पर हमें बेचना नहीं था, हमें इसे सेवा करके देख सकते हैं कितना अच्छा हम इसे कर लिए हैं। इसको हम क्या किए, इस मिट्टी में क्या डाले हैं, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हम इसे घना कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह से हम कटिंग किए थे और ये जो देख रहे हैं इसका ऊपर में हम क्या डाले थे, तो अलवीरा का टुकड़ा डाले थे। इस तरह से अलवीरा का टुकड़ा कटिंग करके यहाँ पर स्टिक को काट दिए थे और बीच में हम अलवीरा डुका दिए थे ताकि हमारा बीच से जो है फंगस ना लगे। तो फंगस तो सही में नहीं लगा, पर एक पौधा का हम कटिंग किए, इधर हम हटा देते हैं तो यहाँ देखें कटिंग करने के बाद हमारा क्या हुआ है। तो इसमें हमारा तीन कंछी मारा है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तीन कंछी मारा, यानी कि ये हमारा पौधा कितना सुंदर लगने लगा है, घना लगने लगा है। आपको यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ कटिंग किए थे, ये हमारा उंगली देखिए यहाँ से किए थे, सबसे पहले कटिंग किए। तो इसमें हमारा देख सकते हैं कि ऊपर वाले डाल में तीन कंछी है, एक स्टिक आया है और इधर डाल वाला में एक स्टिक आया है, एक ही स्टिक आया है पर इसमें हमारा फूल यानी कली बनने लगा, इधर भी कली बनने लगा, इधर भी कली बनने लगा। नर्सरी वाला कट करके घनादार पौधा समय दे के जो उगाता है या समय दे के वो प्लांट को रखता है और उस पर अधिक तरह का फूल रहता है तो उसमें अधिक पैसा वो लेता है। यदि आपको नर्सरी से कम पैसा में स्टिक एक मिल रहा है तो आप वो घर लेके आएं, उसे सेवा करें और इस तरह से आप अपने पौधों को हरा भरा कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या डाले थे वो थोड़ा सा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको ये दिख रहा होगा तो इसमें हम डाले थे केले, ये जो है ना केला, जो गोटा केला हम डाले थे कट करके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मट्टी हो गया है, इसी तरह का आपको बिल्कुल मट्टी हो जाएगा। यदि आपके घर पर आलू का छिलका है, प्याज का छिलका है तो वो भी आप डाल सकते हैं, खीरे का छिलका है या कोई फूल का, कोई फूल है आपके घर में अधिक मात्रा से फूल हो रहा है तो वो भी आप डाल सकते हैं, उसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा से रहता है। तो ये हमारा जितना पेड़ को ऊर्जा मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, वो हमारा इस तरह का छिलका पूरा कर देता है। तो इस तरह का हमारा जो जानकारी वीडियो है आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें। यदि आपका पौधा किसी भी तरह से रोग से घसीट है तो हमें कमेंट करें, हम हर एक का कमेंट का जवाब देते हैं, आपका भी देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।